पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश की जनपद मुरादाबाद में एक अवैध फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक रही कि 5 घंटे बाद भी आग नहीं बुझ सकी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंच कर भी आग पर काबू नहीं पा सकी। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग पर काबू पाने के लिए प्रयास कर रही है। मामला जनपद मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र के बुद्धि विहार का है, जहां पर आबादी के बीचों बीच एक अवैध गत्ते की फैक्ट्री चल रही थी। अचानक सुबह फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भयानक रही कि आसपास के क्षेत्रों में भी हड़कंप सा मच गया। किसी ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पाकर जिले भर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को कॉल किया गया और 5 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। लगातार आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम प्रयास करती रही, लेकिन आबादी के बीचों बीच फैक्ट्री होने के कारण गाड़ियां फैक्ट्री के पास तक नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से सुबह से 5 घंटे बाद भी आग पूरी तरीके से नहीं बुझ सकी। फायर ब्रिगेड के द्वारा लगातार आग पर काबू पाने के लिए कई बार प्रयास किया गया। हमको हमारे कंट्रोल रूम में एक धर्मवीर सिंह के नाम के व्यक्ति ने टेलीफोन से बताया कि जो मझोला थाने में एक किरण पैकेजिंग फैक्ट्री है गत्ते की, जिसमें पैकेजिंग का सामान बनता है, पैकिंग वाला, कि आग लगी। हमारी तत्काल 2 गाड़ियाँ वहाँ के लिए रवाना हुई और मैं ही रवाना हुआ। अध्यक्ष साहब भी गए, जाकर के देखा कि काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है और कंजेस्टेड एरिया है, चारों तरफ आबादी भी है, मिक्स आबादी भी है, फैक्ट्री एरिया भी है, तो डबल स्टोरी भी है, काफ़ी बड़ा बड़ा गोडाउन होने की वजह से, क्योंकि गत्ते की आग भी काफ़ी पहले से फैली हुई थी, तो हमारी गाड़ियों ने काम करना शुरू किया, लेकिन प्रॉपर अप्रोच नहीं मिलने के कारण आग बुझाने में कठिनाई हुई और अभी तक हमारी गाड़ियाँ वहाँ पर काम कर रही हैं और आग लगभग कंप्लीट बुझ गई है, लेकिन कुछ जो कोने हैं उसमें आग बची हुई है, क्योंकि जब पैकिंग में इस तरह से पेपर में आग लगती है तो इतना जल्दी आसानी से नहीं बुझ पाती, उसको फ्लेम करके बुझाना पड़ता है। और आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जैसे इस तरह की इंडस्ट्री हैं उनके लिए सरकार ने इंडस्ट्री एरिया बनाया है, लेकिन कुछ लोग क्या समझते हैं कि कोई नहीं, कौन देखेगा, जब आग लगती है तब प्रशासन को भी पता चलता है और इसमें काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। और आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हमारी जान सुरक्षित रहे, धंधा भी हमारा चले, लेकिन जान पहली बात सुरक्षित होने की होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है इस तरह की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उसमें LPG का भी यूज़ करते हैं लोग, जब कभी आग भयानक रूप से लगती है तो लोग बता नहीं पाते हैं कि इसमें LPG के सिलेंडर भी हैं, कभी कभी ब्लास्ट भी हो जाते हैं, और जो सिस्टम है सिस्टम भी लोग पर्याप्त नहीं रखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आग लगती है तब उस चीज़ का उनको अंदाज़ा होता है, लेकिन वो भी कुछ क्षणिक टाइम के लिए, 10-15 दिन के लिए, फिर अपने काम में से कितना टाइम लगा होगा इससे आग बुझाने में? अब 11 बजे से अब 3 बजने वाले हैं, लगभग 4 घंटे हो गए वहाँ पर लगातार 5 घंटे। हमने बिलारी, कटघर, हैलेट रोड और हमने 5 गाड़ी तत्काल घटनास्थल हो गए लगातार कंप्लीट। अभी पूरी तरीके से नहीं बुझ पाई? हाँ, अभी लेकिन कंट्रोल है, थोड़ा बची है ऊपर, जैसे टच फ्लोर पर है थोड़ी बहुत ही है, उसमें धुआं वगैरह सुलग रहा है, वो आगे ना बढ़े, इसलिए उसको पूर्ण रूप से बुझा करके हमारी टीम एटीएस साहब नहीं मौके पर।